कैनरा बैंक में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिशियल साइट पर आते हैं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में और हिंदी में अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए अप्लाई का लिंक मिल जाता है। जैसे आप अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए बताया गया है कैंडिडेट को, जो भी कैंडिडेट फॉर्म के लिए आवेदन करेंगे उनका जो कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल NATSeducation.gov.in पे उनका जो कि प्रोफाइल जो कि कम्प्लीट होना चाहिए। जिसका भी प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगा वो लोग जो कि फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपका जो कि यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 21/9/2024 से, जिसकी लास्ट डेट 4/10/2024 रहने वाली है। यहाँ पे आपको देखिए ट्रेनिंग सीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। पहले आपका स्टेट का नेम देखने को मिलेगा, वहाँ की क्या लोकल लैंग्वेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई हैं आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की जो कि आप लोकल लैंग्वेज इस तरीके से देख सकते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें जो कि रिजर्व की गई है। अब यहीं हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, क्योंकि आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/9/2024 से। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 28 साल। वहीं आपको एज रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो 5 साल, ओबीसी से 3 साल, अगर दिव्यांग है तो 10 साल। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कि आपको यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करेंगे तो आपका देखिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में जो कि कम्प्लीट होना चाहिए। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट को क्लास 10th या 12th में जो कि वहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्लास 10th या 12th में जिस भी स्टेट से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है तो आपको लास्ट में एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ सकता है। तो जिस भी स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। NATS का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का देखिए ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने NATS पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको जो कि रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट का टैब मिलेगा इस तरीके से, जो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्टर, तो इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपके पास आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, अगर सारा डाटा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद अपना जो कि ईमेल आईडी फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कैप्चर कोड दिया हो आपसे सॉल्व करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो अपना जो कि यहाँ से आप अपना प्रोफाइल जो कि कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। कैनरा बैंक का देखिए ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले क्लिक कर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब मिलेगा, पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। 6 स्टेप में हमें जो कि फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट नेम क्लास 10 के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे जो कि फर्स्ट नेम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम को इस तरीके से जो कि आप कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम है तो आप इसे फिल कीजिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम की एंट्री करेंगे, लास्ट नेम को जो कि यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। आपका देखिए फुल नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी पहले जो कि अपना आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे देखिए @ लगा हुआ है। डोमेन नेम आप जो कि इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डोमेन नेम है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में अपना जो कि यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी जो कि आप इस तरीके से टाइप करेंगे विथ डोमेन के साथ, इस तरीके से जो कि अपना पूरा ईमेल आईडी आप फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड जो कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी प्राप्त हो चुका है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे प्राप्त हो चुका है। तो अब जो कि हमें फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि अपलोड करना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस देखने को मिल जाएगा। आप जो कि उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गाइडलाइंस भी डाउनलोड हो जाएगा। फोटोग्राफ की बात करेंगे, कलर आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, लेटेस्ट का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो कि व्हाइट होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करेंगे जो कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पे आप क्लिक करके अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि अपलोड कर लेंगे। फोटोग्राफ आपका ठीक है तो आई कन्फर्म वाले चेकमार्क कर देंगे, अगर आपका सिग्नेचर ठीक है तो आई कन्फर्म वाले ऑप्शन को जो चेकमार्क करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए बेसिक डिटेल फिल करना है। सबसे पहले अपना स्टेट
जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपने स्टेट को जो कि सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर देखिए लोकल लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, तो आप जिसे सेलेक्ट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी बताएंगे जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है आप इस तरीके से जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो उस केस में यस कर सकते हैं, अपनी दिव्यांगता का प्रकार जो कि आप यहाँ बता सकते हैं, आपको सब टाइप क्या है दिव्यांगता कि आप यहाँ पे जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे, ये सारे ऑप्शन जो कि आपको डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप 1984 दंगों के इफेक्टेड हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपको एज रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, आप विडो डिवोर्स या वुमेन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। रिलीजियन अपने धर्म को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी इस तरीके से जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए, नहीं करते तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS में आपका देखिए रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में आपको यहाँ पे यस करना ही होगा क्योंकि आपका NATS में जो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो NATS का नंबर जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस कीजिए, आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कीजिए। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगर आपने आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट करा रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसका एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अगर नहीं है सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को यस करके आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। नेशनलिटी में जो कि आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है तो पहले आप डेट मंथ और ईयर जो कि आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका एज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जेंडर आप बताएंगे मेल या फीमेल, जो भी आपका जेंडर आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आप ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, जुड़वा भाई बहन है तो आप यस कीजिए। तो अगर आप यस करते हैं तो अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा जेंडर है आप मेल या फीमेल आप सेलेक्ट कीजिए। ट्विंस ब्रदर या सिस्टर उसका नाम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे आप अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स है, तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से जो कि सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फादर नेम जो कि फिल करना है तो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग फादर नेम मदर नेम इस तरीके से जो कि फिल कर देंगे। उसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल जो कि फिल करना है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप अपना विलेज फिल कर सकते हैं, पोस्ट एंट्री कर सकते हैं। एड्रेस लाइन थर्ड में जो कि आप थाना जो कि आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इस तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देंगे। स्टेट जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पिन कोड की एंट्री कर देंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवाइसिंग आपको जो कि यहाँ पे फिल करना है तो आप इसको ओपन करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों में से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। हमें देखिए ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ तो ₹500 में जो कि फिल करना है, वैलिडेट योर डिटेल वाले टैब पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल जो कि फिल करनी है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, तो आपको यहाँ पे अपने बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नेम जो कि आपको यहाँ पे फिल करना है आप जो कि इसे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रीम कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, कब आपने पास किया था तो पहले आप यहाँ पे डेट मंथ और ईयर जो कि आप इस तरीके से लिस्ट के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। कितने प्रतिशत आपके क्लास 10th में बने थे आप उसकी एंट्री करेंगे। क्लास या ग्रेड आप जो कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे 10+2 की डिटेल जो कि फिल करनी है तो पहले अपने बोर्ड का नेम इस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, अगर आप साइंस साइड से कंप्लीट किए तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, आर्ट्स से सेलेक्ट किए तो आप इसे, कॉमर्स अदर है तो आप इसे इस तरीके से जो कि सेलेक्ट करेंगे। कब आपने पास किया था, डेट मंथ और ईयर जो कि आप इस लिस्ट के माध्यम से इस तरीके से जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए परसेंटेज की एंट्री कर देनी है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से जो कि आप अपना फिल करेंगे। क्लास और ग्रेड जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 10+2 के देखे तो उसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो कि ग्रेजुएशन डिटेल जो कि आपको फिल करना है तो आपको यहाँ पे देखिए अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम जो कि फिल कर देना है। यहाँ पे आप स्ट्रीम बताएंगे, जो भी आपका स्ट्रीम है अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। कब आपने पास किया था, डेट मंथ और जो कि ईयर इस कैलेंडर के माध्यम से जो कि आप सेलेक्ट कर लेंगे। कितने प्रतिशत आपके बने थे ग्रेजुएशन में आप उसकी एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्लास और ग्रेड जो कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी कैनरा बैंक या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में अपना अप्रेंटिसशिप जो कि कम्प्लीट किया है, अगर किया है तो आप यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे। इस केस में आपको नो ही करना होगा। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसके बाद अगर आपने एक या एक साल से अधिक कोई अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर किए हो तो, अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 10th या 12th में अगर आपने अपने स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उस केस में हमने पढ़ रखी है तो यस करेंगे। अगर आप मेडिकली देखिए यहाँ पे फिट हैं तो उस केस में हम यस कर देंगे।
यहाँ पे आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप यहाँ पे फिल करके रीड राइट स्पीक बता सकते हैं। वैलिडेट योर डिटेल वाले टैब पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा जो कि आप प्रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट को, यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं सभी को आपको जो कि प्रेफरेंस देना है तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके जो कि फिल करेंगे। क्योंकि फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है ऑल द डिस्ट्रिक्ट अंडर द बॉक्स नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस, तो सभी को प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना है। सारा प्रेफरेंस देने के बाद वैलिडेट योर डिटेल वाले टैब पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। सारा डाटा मिलाने के बाद अगर फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि लगती है तो आप बैक जाके चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा ठीक है तो डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री का टैब मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करना है, सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करेंगे जो कि आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना जो कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेंगे जो कि जेपीजी फाइल में होना चाहिए, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आप जो कि यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए जो कि जेपीजी फाइल में होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आप क्या लिखेंगे ये आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 पे जब आप आएंगे तो आपके यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन का टैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन से लेके रिक्वायर्ड तक एक वाइट पेज पे अपनी हैंड राइटिंग में जो कि आप इसे लिखेंगे उसी फॉर्मेट को जो कि आप स्कैन करेंगे जेपीजी फाइल में अपलोड कर देंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके का आपका रहना चाहिए। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, रिक्वायर्ड तक वाइट पेज पे जो कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे, इसे स्कैन करके जो कि आप अपलोड करेंगे। अगर आप जब अपलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से आप देखेंगे ओके वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन और जो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि अपलोड हो चुका है, कैप्चर कोड को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्क्रीन टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। हमारा फॉर्म देखिए यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। अब जो कि हमें पेमेंट करना है तो 500 रुपये हमें जो कि पेमेंट करना है, कैप्चर कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्क्रीन टिक करेंगे, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें देखिए पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश, क्यूआर कोड और यूपीआई अपना कोड जो कि जनरेट करके आप जो कि आप अपना पेमेंट यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, कार्ड का नंबर, एक्सपायर डेट, सीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम, मेक पेमेंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी को आप फिल करेंगे, वहाँ से आपका पेमेंट जो कि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना प्रिंट जो कि सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आई होप जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।